Hey guys, welcome back to my channel, mumpy.rahul. तो आज हम बहुत 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 ही ज्यादा खुश है क्योंकि आज मेरे चैनल पे हो गया 7 लाख फैमिली कंप्लीट। बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुश है, हम बता नहीं सकते कि इतना प्यार दे रहे हो आप लोग कि हम एकदम दौड़ रहे रेलगाड़ी की तरह। तो ठीक है, वैसे ही हमको जल्दी 1 मिलियन का फैमिली कंप्लीट चाहिए गाइस मेरा यूट्यूब में। मतलब भगवान करे मेरा ये विश जल्दी से पूरा हो जाए, और वो मेरा ये वाला विश आप ही पूरा कर सकते हो। जो चैनल है उसको अपने दोस्तों के साथ बहुत 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 शेयर करो ताकि जल्दी से इसमें 1 मिलियन का फैमिली कंप्लीट हो, क्योंकि मेरा 2 सिल्वर प्ले बटन के बीच में हमको मेरा गोल्डन बटन भी चाहिए बहुत जल्दी। मतलब हम इतना खुश है कि हम क्या बोल रहे, मेरा टंग स्लिप कर रहा है। तो प्लीज गाइज जल्दी से आप लोग मेरा वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरा चैनल में प्लीज जो आ रहे हो नया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और साइड में बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा नया हर वीडियो आप लोग के पास जाए। और आप लोग इतना प्यारे कैसे हो यार, इतना ज्यादा क्यूट कैसे कोई हो सकता है। मतलब कितना प्यार करते हो आप लोग हमको बाबू को, मायरा को, अभी तो मायरा को भी हमको लगता है हम दोनों से ज्यादा प्यार मिल रहा है, कॉमेंट में बस मायरा। तो थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए। मतलब कभी कभी सोच के बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, रोना आता है कि आप लोगों से सच में शुरू से प्यार मिला, सपोर्ट मिला बहुत ही मेरा चैनल पे, मेरा यूट्यूब फैमिली में से मतलब बहुत कमी है कि नेगेटिव कमेंट करने वाला, 1-2 निकलता है। बताओ 7 लाख में 1-2 नेगेटिव कमेंट करने वाला, आप लोग किसी को इतना प्यार कैसे कर सकते हो यार, हमको कभी भी विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता सच में। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि आप लोग का सारा कमेंट्स में अभी हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं जितना हो सक रहा है, फिर लव रिएक्ट भी दे रहे हैं जितना हो सक रहा है हम लोगों से उतना कर रहे हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स देने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी हैप्पी रहो। जितना आप लोग प्यार करते हो ना, हम बाबू आप लोग को उतना ही मानते हैं, उतना ही चाहते हैं जितना आप लोग चाहते हो। एक दिन वीडियो मिस करते तो हमको पता है कि आप लोग का कितना आप लोग को मतलब लगता है कि हाँ आज मेरा चैनल पे वीडियो नहीं आया है, क्योंकि एक फैमिली जैसे बन गए यार, हम लोगों को भी खिलता है कि हाँ आज वीडियो नहीं डाले, आप लोग का नया कॉमेंट्स नहीं पड़े, ऐसे हम लोगों को भी फील होता है। तो वही अभी तो आप लोग हमको तो पहले हम हफ्ते में हमको याद है कि हम 2 वीडियो छोड़ते थे, उसके बाद आप लोग को प्यार देखते थे कि यार ये लोग तो अच्छा हमको इतना प्यारा कमेंट करते, मतलब दिल है आप लोग मेरा दिल है। तो वैसे करके डेली वीडियो छोड़ने लगे, तो डेली आप लोगों से बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिलने लगा। तो गाइस जल्दी से मेरा यही एक ही विश है, आप लोग जल्दी से कम्प्लीट कर दो 1 मिलियन का फैमिली, जल्दी से कम्प्लीट कर दो। मतलब प्लीज 1 मिलियन का फैमिली हमको जल्दी से चाहिए। आप लोग मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, न्यू जो हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरा सारा वीडियो आप लोगों को दिखे। और अभी हम ये सोचे हैं कि हम जितना दूर तक कमेंट्स आप लोगों का पढ़ेंगे उसमें से जितना अच्छा लगेगा वो 3 कमेंट्स हम यहाँ पे शो करेंगे, और उनका आंसर भी देंगे अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो या कोई कुछ अच्छा प्यारा सा कमेंट्स कर रहे हो। तो 2 क्वेश्चन का 1 प्यारा सा कमेंट्स का या 2 प्यारा सा कमेंट्स का 1 क्वेश्चन का ऐसे करके हम स्क्रीन पे उनका नाम शो करेंगे और उनका आंसर भी देंगे, ठीक है। तो हम ये सोचे हैं, तो ज्यादा वकर नहीं करेंगे, मतलब हम इतना ज्यादा खुश है कि मेरा टंग स्लिप कर रहा है, हम कुछ भी हमको लगता है अपने के साथ बकड़ करते जाए ये 7 लाख मतलब कंप्लीट होने के पीछे, मतलब खत्म करते हैं मेरा बकड़। तो जब हम और बाबू दोनों मिलकर डिसाइड किए कि जब 1 मिलियन का फैमिली मतलब बन जाएगा तब हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यही हम लोग का प्लान है। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग कुछ, क्योंकि हम घर में अकेले बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो सोचे कि आप लोग कुछ टिप्स शेयर करें, ठीक है। मेरा पेट कम लग रहा है ना, नहीं थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो चलो टिप्स शेयर कर लेते। तो हम एक बार नकली जब ऐसे मिक्सी चलता ना ऐसे ही आवाज होता है तो एकदम लगता है शायद आज हमको कोई वीडियोस नहीं बनाने देगा, बार बार कॉल आ रहा है। तो हम जो बोल रहे थे वो है हम एक बार फेक नेल्स लगाए थे, तो आप लोग बहुत सारा कमेंट्स किए थे कि दीदी आप ये नेल्स कैसे लगाए थे। तो हम एक बार पार्लर में जाके जो नेल आर्ट होता है वो करवाए थे, नेल एक्सटेंशन, तो उसका हमको पड़ा था 6000। हम दो हाथों में करवाए थे
तो वो लोग बोला था कि एक महीना नहीं जाएगा, एक या दो महीना हाँ नहीं जाएगा, लेकिन तब हम, अभी तो हम कोई काम नहीं करते घर का, लेकिन तब हम करते थे, तो काम करते थे, तो मेरा हाथ में वो, हम उनको बोले थे कि हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो बोले थे कि ठीक है फिर भी अगर आप काम नहीं करते हो तो 3 महीना तक चलेगा, और अगर आप काम करते हो तो 1 महीना 1.5 महीना चलेगा। तो बोले ठीक है, लेकिन मेरा जो नेल्स था, हम काम करते थे, आटा वगैरह गूंथते थे, उसके बाद बर्तन वगैरह धुलते थे, तो वो मेरा 15 दिन गया, मतलब 1 महीना भी सही से नहीं गया। और बताओ 6,000 हम वेस्ट किए और उसमें मेरा 15 दिन बस चला, लेकिन हमको उस टाइम बहुत बुरा लगा कि हम बेकार करवाने गए। उसके बाद हम थोड़ा सा घर में ही कोशिश किए थे, जो अब आप लोग देखे थे तब हम कोलकाता में थे, तो आप लोग सारा कमेंट्स भी किए थे, दीदी आपका नेल्स अच्छा लग रहा है, कैसे करवाए, कहाँ से करवाए, बहुत सारा क्वेश्चन था, और हम आप लोगों को बोले भी थे हम फ्री होके हम इसका डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हुए हम इतना दिन बाद फ्री, तो आज इसका डिटेल्स शेयर करेंगे। बहुत ईजी है गाइज, बहुत ईजी और बहुत चीप में आप कर सकोगे घर पे, और हमको लगता है पार्लर से ठीक ही चल जाएगा, और इतना सस्ते में आप अगर 10 दिन भी आपके हाथ में वो नेल्स टिक जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए जो जो लगेगा वो हम बताते हैं, वो है आपको ये फेक नेल्स चाहिए है, ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट से भी, तो ईजीली मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन जहाँ से आपको मन, बहुत ईजीली मिल जाएगा, और बहुत चीप है ये, हम लोकल मार्केट से लिए तो ये हमको 100 रुपीज़ मिला, और हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे भी ऐसे 100-150 ऐसे में मिल जा रहा था, और हम लोकल मार्केट से हमको 100 में मिला, तो बहुत सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता। और ये तो लोकली सबके पास घर पे तो रहता ही है, इसमें है, हम बताते हैं, ये मायरा का और मेरा दोनों का ही है, तो इसमें है छोटू सा एक नेल कटर, और ये एक नेल को सेप देने के लिए एक सीजर का ज़रूरत होता है, और नेल को सेव करने के लिए एक शार्पनर का ज़रूरत होता है। तो ये तो हमको लगता है सबका घर में अवेलेबल होगा ही होगा। उसके बाद हमको जो चाहिए वो है ये थिनर, आप लोगों को अवेलेबल जो भी थिनर रहेगा चलेगा, तो वो एक थिनर। उसके बाद नेल पेंट सबके पास रहता है, कुछ ना कुछ नेल पेंट, जिसका जो फेवरेट नेल पेंट आप लोग जो लगाना चाहोगे, तो हम ये दो ले लिए, येलो एंड रेड। उसके बाद चाहिए हमको ग्लिटर, अगर आप लोग नेल को ग्लिटरी करना चाहते हो तो ग्लिटर जरूरी है, और अगर नहीं करना चाहते तो नहीं, तो हम ग्लिटर सोचे करेंगे, देखते हैं नेल आर्ट करने के बाद कैसा होता है, उसके बाद ग्लिटर भी यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये छोटू सा ग्लिटर है, इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन चीज़ चाहिए वो है ये दो गम ले लिए, हम दो यूज़ किए, अगर आपको, आप घर का कोई काम नहीं करते हो, मतलब बस बैठे रहते हो घर में, खाते पीते सोते वाला काम है आप लोगों का, तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हो, फेविक्विक, जो कि डरने वाले कोई बात नहीं कि हाँ नहीं चिपक जाएगा, कभी खुलेगा नहीं, ऐसे कोई नहीं, अगर आप काम करते हो तो 5 दिन में तो आपको खुल जाएगा ये वाला, मतलब अगर आप इससे नेल चिपकाते हो तो, अगर काम करते हो घर का सारा तो 5 दिन में आपका ये खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा नेल्स, और अगर काम नहीं करते तो 1 महीना आराम से आपको चल जाएगा, कुछ नहीं, और रियल नेल्स लगेगा आपका, एकदम रियल नेल्स लगेगा। तो ये, और अगर आप एक, ये तो हम कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन ये आज हम आप लोगों को दिखाने के लिए आज ट्राई करेंगे, क्योंकि हम इसको ट्राई किए तो मेरा 10 दिन था, जब बेबी पेट में था तब भी हम कोई काम नहीं करते थे, प्रेगनेंसी टाइम में हम इसको यूज़ किए थे, तो 10 दिन मेरा नेल था, क्योंकि इससे ज़्यादा भी रह सकता था, लेकिन मेरा बहुत गंदा आदत है ना, हम ऐसे से नाखून लेके करते रहते, तो कोई भी नेल्स नहीं टिकता है, ना रियल नेल्स, ना ऑरिजिन, मतलब ना रियल नेल्स टिकता है, ना फेक नेल्स टिकता है, कोई भी नेल्स नहीं टिकता है, तो उसने मेरा 10 दिन में ही ख़त्म हो गया था। तो आप लोगों का अच्छा खासा चल जाएगा, हमको लगता है 1 महीना चल जाएगा जो नहीं काम करते हो, और जो काम करते हो उसका 5 दिन या 10 दिन आराम से रहेगा, मतलब बताओ हम 6,000 देके मेरा 15 दिन चला, तो ये तो 5 रुपया का है, बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। और इसको हम यूज़ नहीं किए, आज यूज़ करेंगे, क्योंकि मायरा रोने लगी, क्योंकि मायरा है और मेरा बड़ा बड़ा नेल्स, मायरा को चोट लग सकता है, तो सबसे पहले हम एक माँ, उसके बाद मेरा जितना भी फैशन वगैरह है, तो अभी हम मेरा बिगनेस रखना भी नहीं चाहते, और रखेंगे भी अभी तो नहीं जब तक मायरा थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाएगी, तो इसको हमको रिमूव करना है, भले हम ये वाला लिए ना, एक चीज़ आ जाएगा मेरा काम में, जब हम वीडियोज़ बनाएंगे तब फिगनेल्स लगा के, और ये वीडियो बना के उसके बाद हम नेल्स को उतार सकते हैं इससे। और
आप बता ही दिए दोनों, इससे तो तुरंत छूट जाएगा, इससे छूटने में लेट होगा, बस यही। और अगर इसको आप लगा रहे हो या सोच रहे हो कि ये लगा के अगर शादी में जाएंगे तो टूटने का डर रहेगा, क्योंकि हम कभी लगाए नहीं तो हम आप लोगों को प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आपको मतलब एकदम अच्छा वाला चाहिए तो आप ये लगा सकते हो। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि शादी वगैरह में जाएंगे तो आप ये लगाओगे और आपको लगेगा कि हाँ हम शादी हो जाए, फिर हमें उसको उतारना है, इसको खोलना है, तो क्या कीजिएगा, जो वार्म वाटर वार्म करके एकदम गर्म, मतलब इतना गर्म रखोगे कि आपका आप उसको सह सको। उसके बाद नेल्स को चुभा लेना तो क्विकली वो मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा या 5 मिनट लगेगा वो रिमूव होने में, 5 मिनट में आपका सारा नेल्स अपने आप उतर जाएगा। तो ये है इसका सारा डिटेल्स, हम आप लोगों को बता दिए, आई होप आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलो अभी हमको जो करना है, मेरा जो हम एक ही हैंड में करके आप लोगों को दिखाएंगे, मेरा जो नेल्स है आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटू छोटू सा है, क्योंकि मेरा नेल्स है ही नहीं, बहुत छोटू छोटू सा। इसको पहले हम ना थिनर से साफ करते हैं। स्टेप 1 पे हमको पहले नेल्स को साफ करना है और कोई भी थिनर से, और मेरा नेल साफ नहीं होगा क्योंकि मेहंदी का कलर है, नेल पॉलिश नहीं है, मेहंदी लगा लिए थे। तो चलो इसको साफ कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं, ये है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप पर है आप इसको अपना नेल्स कितना बड़ा छोटा हिसाब से निकाल के रख लो, क्योंकि आपको इजी होगा लगाने में, तो सेकंड स्टेप में ये लगाना है। उसके बाद आ रहा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे आपको करना है ये नेल सेवनर लेके अपने नेल के ऊपर घिस लेना है, ताकि ईजीली इसमें फेविक्विक सट जाए, चिपक जाए। ऐसे भी अच्छे से चिपकता है लेकिन इससे बहुत अच्छा ग्रिप पकड़ लेता है, तो आप लोग ज़रूर इसको करो थर्ड स्टेप पर। उसके बाद आ रहा है फोर्थ स्टेप। स्टेप नंबर 4 पे आपको जो करना है, अपना नेल्स को, अपना नेल्स जितना बड़ा छोटा जितना चौड़ा है, आपको जो भी सेव देना है गोल चौकट, उस सेव पे आपको काट लेना है। आई होप अब हम आप लोगों को बहुत इजीली बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जब आप लोग घर पे ही नेल आर्ट करोगे। तो आपको गोल सेप देना, तो गोल सेप कर सकते हो, चौकट सेप कर सकते हो, आपका जो मन उस सेप से हर नाखून काट नेल्स काट लीजिए। इस बार आप फिफ्थ स्टेप फॉलो करें। आप अपना साइज देख के उसमें ठीक जैसे हम लगा रहे हैं नेल्स पे, ऐसे ही गम लगा के उसके ऊपर नेल्स को आपको चिपका देना है और ठीक थोड़ी देर तक उसको होल्ड करके पकड़ना है, होल्ड करके रखना है, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ये अच्छे से चिपक जाने के बाद जो एक कॉटन बॉल लेके जो एक्स्ट्रा गम बाहर निकला है उसको साफ़ कर देना है, ताकि आपका हाथ चिपक ना जाए और नेल्स ख़राब ना हो जाए। तो आप लोग ऐसे नेल्स को साफ़ कर लेना एक कॉटन बॉल से। उसके बाद ठीक ऐसे ही हम मेरा सारा नेल्स पर लगा, तो प्रोसेस मेरा सेम रहेगा, सेम प्रोसेस में हम सारा नेल्स पे लगा लेते हैं जल्दी से। तो यार लग रहा है ना असली नेल्स, तो ठीक ऐसे ही हम सारा नेल्स पे लगा लिए और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और हम तो प्रेफर करेंगे आप लोग को फेविक्विक, क्योंकि हमको यही अच्छा लगता है, क्योंकि फेविकॉल से खुल जा रहा था तो हम लास्ट में फेविक्विक से ही किए हैं, वही आप लोग भी यूज़ करना और बहुत इजीली खुल भी जाता है। हम आप लोगों को बताई दिए उसके सारा डिटेल्स पहले ही। आपको स्टेप नंबर 6 में कॉटन बॉल लेके सारा नेल्स अच्छे से साफ करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आटा वगैरह जो भी गोंद वगैरह है उस पर लगा रहता है तो थोड़ा गंदा लगता है, तो उसको साफ करना है। उसके बाद 7 स्टेप पे आ रहा है नेल पेंट। तो नेल पेंट बहुत ही ज़रूरी है, ये अकर्स का नेल पेंट है, बहुत अच्छा टिकता है, कलर बहुत हमको अच्छा लगता है। अब लोग अपना फेवरेट कलर यूज़ करना और ये नेल पेंट पूरा मेरा एक नेल छोड़ के सारा नेल नाखून में जैसे ही नेल पेंट करता है, आप लोग को पता ही है, कोई दिखाने का बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हम नेल आर्ट के बारे में आप लोग को बता रहे हैं तो हम ये दिखा रहे हैं आप लोगों को।
उसके बाद फिर से एक कॉटन बॉल लेके आप जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर है उसको साफ कर देना। तो उसके बाद हम फाइनली लूगा मेरा नेल्स का दिखा रहे हैं आप लोगों को, है ना बहुत खूबसूरत यार। हम तो मतलब फिदा हो गया, हम पहले भी किए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आया, मतलब है ना खुद का चीज़ हमको ही खुद पसंद है, अच्छा लग रहा है ना, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। डन हो गया मेरा नेल एक्सटेंशन, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरा फेक नेल्स। कोई आपको अचानक बोल ही नहीं सकता कि आपका फेक है, कोई नहीं बता सकता। आप लोगों को लग रहा है कि मेरा फेक है? आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि आप लोग पहले से जानते हो कि मेरा नेल्स नहीं है, फेक नेल्स है, तो आप लोगों तो पता ही है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि कमेंट करके बताना कि ये लग रहा है कि ये फेक नेल्स है। देखो पूरा रियल लगता है गाइस, पूरा रियल। और हमको तो लगता है कि वो 6000 वेस्ट ना करके, हमको लगता है घर पे आप 100 रुपये में, हमको लगता है अगर टोटल आप खरीद के भी करते हो, अगर कितना, अगर आप नेल पॉलिश तो सबके पास रहता ही है, हमको तो बोलना नहीं है, सबके पास नेल पॉलिश, गर्ल्स लोग नेल पॉलिश रखती है, और उसके बाद ये भी सबके पास रहता है, नेल कटर भी सबके पास रहता है, और एक सीजर भी सबके पास रहता है, थिनर भी सबके पास रहता है। आपको अगर बाजार से मंगवाना है ये वाला फेक नेल्स जो कि 100 रुपया 150 रुपये में इजिली मिल जाएगा, और 5 रुपये का फेविक्विक फेविकॉल जो भी आप मंगा दो, लेकिन हमको लगता है इससे बेटर वही होगा, क्योंकि आज हम लगा के हमको फील हो रहा है कि इससे ज़्यादा बेहतर वो वाला होता है, और वो इसलिए खुल भी जाता है, कोई डरने का बात नहीं है। उसमें ना अगर आप उस गर्म पानी में थोड़ा सा उंगली बुरा के चुबा के रखिएगा तो अपने आप रिमूव हो जाएगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं, 5 मिनट लगता है, और ऐसे गर्म, ऐसे नहीं कि भाई बहुत गर्म पानी में, जितना आप सह सको उतना पानी, तो इससे आता तो हम वही प्रेफर करेंगे, आप लोग भी उससे ही करो। तो ना बहुत खुश है, बहुत दिन बाद लगाए हैं, कुछ रील्स वीडियो बनाएंगे उसके बाद इसको डालेंगे। और एक टिप्स दे देते हैं हम आप लोगों को, बहुत आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, और आप लोग भर भर के कमेंट्स भी करोगे हमको, अच्छा थैंक यू बोलोगे। तो आप लोगों को बहुत जगह किसी को प्रॉब्लम होता होगा कि बहुत किसी को ना धैर्य नहीं होता, जैसे कि हमको, हम बहुत छटर पटर करता है, इन नेल पॉलिश लगा के जो ऐसे करके ऊँ बैठता है, हमसे एकदम नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मेरा नेल पॉलिश खराब हो जाता है, इसलिए हम नेल पॉलिश नहीं लगाते। आप लोग देखे होंगे कि हम कितना अच्छा ड्रेस पहन लें, मेरे नाखून में नेल पॉलिश नहीं रहता है, तो इसी के कारण। और अगर आप लोगों को भी मेरे तरह आता था कि नेल्स मतलब नेल पॉलिश लगा के कुछ ना कुछ करते करते नेल्स पॉलिश खराब हो जाता है, तो एक क्विक ट्रैक हम आप लोगों को बताते हैं। पानी लीजिएगा, ठंडा पानी, उसके अंदर आप उंगली मतलब ऐसे करके रखिएगा, ठीक 2 मिनट, 2 मिनट में आप, 2 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगता है हमको, लगता है 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत क्विकली आपका जो नेल पॉलिश है बहुत अच्छे से सूख जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगा, है ना इजिली ट्रिक्स। तो आप लोग प्लीज ऐसे कैसे लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, आप लोग का ही कमेंट्स के लिए हम ये फेक नेल्स वाला वीडियो आप लोगों के पास लाए हैं। तो कैसे लगा मेरा फेक नेल्स, बहुत मजा आ रहा है हमको, लेकिन इसको हमको अभी रिमूव भी करना पड़ेगा क्योंकि मायरा को लेंगे हम गोदी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, मेरा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हमको 1 मिलियन का फैमिली चाहिए, मेरा यूट्यूब फैमिली 1 मिलियन चाहिए, प्लीज ये विश पूरा कर दीजिए मेरा। तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। और हाँ मेरा फेक मिल्स कैसे, फेक मिल्स बा मेरा फेक नेल्स कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, बड़ी मजा आ रहा है हमको।